उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के मतों को साधने की रणनीति की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। और इसी संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य निकायों के प्रतिनिधि विधायक और सांसद के साथ में पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें समाज के 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु वाले गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े युवाओं को भी जोड़ने का लक्ष्य तय किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कुछ लेना देना नहीं है और कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कार्यकर्ता। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति ही करना जानती है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे यहाँ अनुसूचित समाज चरणों के जो सामाजिक दृष्टि से ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का विधिवत कार्यक्रम में तय किया। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए हैं। उनकी तिथि हमने घोषित कर दिया है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। जनप्रतिनिधि BDC मेंबर से लेकर नगर पालिका सभासद से लेकर चेयरमैन से लेकर विधायक सांसदों का कार्यक्रम होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा SC ST का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने अभी हरिद्वार में, इतनी बड़ी घटना घटी, हमारे SC के लोगों की मृत्यु हुई मारपीट से, आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते, इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की दो बेटियाँ SC ST की दो बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया, न्याय तो छोड़ दीजिए। उत्तरकाशी जनपद में 4 SC ST की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है।